एटीएम बनाए हुए थे शब्दों का एटीएम बच्चों को सीखने के लिए। तो इसका क्या प्रोसेस है, बच्चे अपना क्या करते हैं जी, लाइन लगा लेते हैं अपने आप ही, यहाँ तक कि प्रेयर खत्म हुई और क्या बोलते हैं जब अपना एटीएम के लिए लाइन बना लो तो लाइन लगा लेते हैं और लाइन वाइज इसमें से नीचे पर्ची निकालते हैं और सिंपल वर्ड्स लिखे हुए जैसे GATGAT वो बोलेंगे और उसके बाद इसी पर्ची को नहीं बोलेंगे मतलब नहीं आता तो उसको फिर बताया जाता है कि ये वाला वर्ड ये है और उसके बाद फिर वापस इसी में ही डाल देते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है जी कि ये आगे से आगे सभी निकालते रहते हैं, फिर एक तरह से रिवीजन भी स्टार्ट हो जाती है, जैसे वही पर्ची फिर नीचे आ जाती है फिर ये ऊपर चलती रहती है। तो इस तरह से बच्चे लाइन बनाकर अपना वर्ड्स बोलते हैं। इसी तरह मैंने इंग्लिश का, ये इंग्लिश का है, ये मैंने हिंदी का बनाया हुआ है जिसमें सभी मात्राओं का है, दो पहले दो अक्षर से शुरू करके दो अक्षर के शब्द, तीन अक्षर से फिर सभी मात्राएं, ये सब उसका है। इसी तरह गणित का है, इसमें भी वही गिनती के हैं तो गिनती वो भी निकाल के इस तरह गिनती का बताएंगे, जो भी संख्या है नौ है तो बच्चा नौ बता देता है और इसी पर फिर वापस डाल देते हैं। तो ये बनाया हुआ शब्दों का एटीएम बच्चों को सीखने के लिए। इसका सी एच वाला बता दो, ये भी बता दूंगा। अच्छा हाँ, तो एक ये बनाया हुआ है, ये हमारे वेस्ट कप्स हैं जो कॉफी कप होते हैं, तो ये भी स्कूल में हमारे पास थे तो इसको भी यूज किया है। तो इसको क्या किया, इसको कट करके फिर यहाँ से ई है तो ई की मात्रा वाले ये शब्द बना रखे हैं। तो ये सिंगल बच्चों को भी पकड़ा सकते हैं हम, ये बच्चा फिर उसी को घुमा घुमा के वो बताते रहता है जी कौन कौन से ये जो शब्द कौन कौन से शब्द बन रहे हैं, इस तरह हम सभी मात्राओं के बढ़ा सकते हैं। जी टीएलएम मैंने क्लास में अपना लगाया हुआ है, एक टीएलएम ये कोई इंग्लिश का तैयार किया हुआ है, ये कोई भी साउंड है जैसे सी एच, अब ये सी एच साउंड वाला वर्ड है तो अब ये सरकाने के लिए लिफ्ट सी बना रखी है सी एच आई पी चिप, उसके बाद सी एच आई एन चिन, ये चौक सरकाएंगे ची च्यू चा चैट चैस चैरी चार, ये इंग्लिश के बनाएंगे।